चलिए आज के वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ नॉर्मन कजिन्स की। तो हु वॉज नॉर्मन कजिन्स? ही वॉज अ पर्सन जिनके एक बहुत इनक्योरेबल डिजीज हो गई थी। ठीक है, डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया था। डॉक्टर्स ने बोला कि वो कुछ महीनों तक ही शायद जी पाएंगे, 2-4-6 महीने तक ही, एंड उसके ऊपर में उनकी लाइफ नहीं है, बिकॉज उनकी कुछ इस तरीके की डिजीज थी जो कि इनक्योरेबल थी, उसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं था। नाउ नॉर्मन कजिन्स ने क्या किया? ही गॉट टू नो, उनको पता चला कि हंसने से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती है, खुश रहने से सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, बिकॉज बॉडी के सेल्स जो हैं वो चेंज होने लग जाते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट वाइब्रेशन एंड फ्रिक्वेंसी, एंड इट इज़ ऑल अबाउट द हॉर्मोन्स दैट यू आर रिलीजिंग एंड लॉट अदर थिंग्स विच ही अंडरस्टूड। अब अपने बॉडी के बारे में जब उन्होंने ये समझा, और उन्होंने समझा कि हंसना एक औषधि है, एक्चुअल में लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, जो एक कहावत है ना, तो वो एक्चुअल में ट्रू है। लाफ्टर इज एक्चुअली इंडीड द बेस्ट मेडिसिन, और वो किसी भी चीज को क्योर कर सकती है। तो उन्होंने क्या किया पता है कि उन्होंने पहले एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि आज मैं दिन भर में खुश रहूंगा और मैं बहुत हंसूंगा। तो उन्होंने एक, जैसे कि आज दिन भर में उन्होंने मिरर के सामने खड़े होकर वो हंसते थे, वो आधी घंटा हंसते रहते थे, आई एम वेरी हैप्पी एंड ही यूज टू लाफ। तो ही सॉ आफ्टर अ वीक, लाइक डूइंग इट आफ्टर फॉर अ वीक, ही सॉ कि उनकी जो पेन था बॉडी में वो कम होने लग गया, बिकॉज उनकी बॉडी में बहुत एक्स एंड पेन्स हर जॉइंट में रहते थे, मतलब इतने जॉइंट्स हैं हमारे शरीर में। और जस्ट सोच के देखो कि बॉडी में अगर उस तरीके से एक एंड पेन हो रहा है तो किस तरीके की हालत होगी उनकी। लेकिन उन्होंने देखा कि हफ्ते भर में उसमें इंप्रूवमेंट आने लग गया। व्हेन ही कंटिन्यूड डूइंग इट, 15 दिन में और इम्प्रूवमेंट आने लग गया। तो उन्होंने इस प्रोसेस को करना शुरू इस तरीके से किया कि वो दिन भर मिरर के सामने जब भी खड़े होते, सुबह में अपने अफर्मेशंस करते थे और जोर जोर से हंसते थे मिरर के सामने, खाली खुश रहते थे। ही यूज टू बी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू फॉर द हीलिंग, ही यूज टू अफर्म लाइक दिस। एंड जितनी भी फनी मूवीज होती है, जितने भी फनी सीरियल्स मूवीज जो कि वो हंस हंस के, जिसको बोलते ना लोटपोट हो जाना, वो देखते थे दिन भर में, 3 घंटे 5 घंटे 10 घंटे वो मूवीज देखते थे, सारी मूवीज को बार बार रिपीटेडली देखते थे। डू यू नो व्हाट हैपेंड? डू यू रियली वांट टू नो? द मिरेकल हैपेंड, यस, ही गॉट क्योर्ड। डॉक्टर्स कॉल्ड इट अ मिरेकल, मतलब एक्चुअल में इट वॉज अ मिरेकल। ही गॉट क्योर्ड इन 3 months ऑफ टाइम जस्ट बाई लाफिंग, यू नो, जस्ट बाई बींग इन अ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट बाई बींग हैप्पी ही गॉट क्योर्ड कम्प्लीटली। एंड उसके बाद वो कई सालों तक जिंदा रहे। डॉक्टर्स बिलीव नहीं कर पाए कि उन्होंने सिर्फ लाफ्टर से अपनी मेडिसिन पूरी वो जीरो लेवल पर ले आए थे विदाउट एनी मेडिसिन। नाउ ही लिव्ड फॉर मेनी ईयर्स एंड ही गॉट कम्प्लीटली क्योर्ड। येस गाइज, सो बी हैप्पी, येस दैट इज द फॉर्मूला। जस्ट अपने आप को बोलते रहिए, लाइफ को ईजी लीजिए कि आई एम हैप्पी, आई एम रियली वेरी हैप्पी। यू कैन क्योर एनीथिंग, नॉट ओनली हेल्थ बट यू कैन क्योर एनी सिचुएशन। सी हम लोग कैसा मुंह बना लेते हैं ना, जब भी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है चैलेंजिंग, हम सारा दिन बैठ के ब्रूड, वी स्टार्ट ब्रूडिंग ओवर द पास्ट, वी स्टार्ट ब्रूडिंग ओवर आवर चैलेंजेस, अब क्या होगा, कैसे होगा, जिंदगी में कुछ समझ नहीं आ रहा है, जिंदगी ऐसा लगता है खत्म सी हो गई है। बट क्या जिंदगी सच में खत्म हो गई है? नहीं, जिंदगी है, और जो है उसको आप बहुत खूबसूरत तरीके से जी सकते हैं। और उसको खूबसूरत तरीके से जीने के लिए हंसना बहुत जरूरी है, खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप खुश रहोगे तो आप सिचुएशंस अच्छी अट्रैक्ट करोगे, आप में वो इस सिचुएशन से निकलने की जो करेज चाहिए अंदर से वो आएगी, आपको अपने आप रास्ते सूझने लग जाएंगे, आइडियाज एंड इंस्पिरेशंस आने लग जाएंगे, आपके बॉडी के सेल्स जो हैं वो ठीक होने लग जाएंगे, बॉडी के अंदर की डिसीजेस ठीक होने लग जाएंगे। और जब वो ठीक होगी तो दिमाग काम करेगा, क्लैरिटी आएगी, आपके रिश्ते इंप्रूव करेंगे। और सोच कर देखिए कि द ग्लो दैट विल बी देयर ऑन योर फेस, कैन यू इमेजिन? वी ऑलवेज से ना कि ये पर्सन हमेशा खुश रहता है, कितना अच्छा लगता है ना, ही इज ऑलवेज स्माइलिंग और शी इज ऑलवेज ग्लोइंग, रेडिएटिंग विद हैप्पीनेस। सो यस गाइज, दैट रेडियंस, दैट जॉय, ब्रिंग दैट, इट इज इन योर हैंड्स, नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस, यू आर द ओनली वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हैप्पीनेस। सो जस्ट कीप सेइंग टू योरसेल्फ कि आई एम वेरी हैप्पी। अरे कुछ अच्छा नहीं भी हुआ आपके मन मुताबिक तो इट्स ओके, जस्ट टेल योरसेल्फ दैट आई एम हैप्पी एंड आई हैव डिसाइडेड टूडे टू बी हैप्पी, आई एम कमिटेड टू बी हैप्पी। सो अपने आप को ये बोलते रहिए और खुश रहिए। एंड एक्चुअल में वॉच दोज मूवीज, दोज सीरियल्स विच आर फनी, विच आर एक्चुअली फनी, और जो जिससे आपको बहुत हंसी आए, जिससे कि अगर आपकी लाइफ में उसमें कोई भी चैलेंज है तो आप उसको में उसको भूल जाए। बिकॉज यू नो वेन यू आर इन अ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, अगेन इफ वी गो बाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो वॉट विल हैपन?
लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, दैट इज द लॉ, राइट? दिस इज लाइक कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके इसी चीज पे काम करता है ना, कि लॉ लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. तो जब आप हैप्पी रहते हो तो आप हैप्पी सिचुएशंस, हैप्पी पीपल, हैप्पी कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हो, राइट? यू अट्रैक्ट मोर हैप्पीनेस इन योर लाइफ. बिकॉज अभी तक आपने सीरियस रहकर, दुखी रहकर और चिंतित रहकर तो देख लिया क्या मिला, और ज़्यादा वरीज मिली और ज़्यादा सैडनेस हुई और ज़्यादा आपको सिचुएशन चैलेंजिंग ही लगती गई, राइट? नॉट ट्राई दिस एंड देन सी इफ इट कैन ब्रिंग एनी चेंज इन योर लाइफ द वे इट ब्रॉट द चेंज इन नॉर्मन कजिन्स एंड सो मेनी थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ पीपल, राइट? तो आप भी अपनी लाइफ में वो चेंज ला सकते हैं. जस्ट बी हैप्पी, राइट? इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू आर ऑलवेज इन्फॉर्म्ड अबाउट माई नेक्स्ट वीडियो. So see you guys, see you happy and laughing always.